फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा शर्मा और मेरे किचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच जो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है। आप इन्हें मॉर्निंग में, इवनिंग में चाय के साथ या सॉस के साथ या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 उबले हुए आलू और इन्हें हमने मैश कर लिया है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ एक प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे, थोड़ी काली मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ा गरम मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ा चाट मसाला ऐड करेंगे, थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर देंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी ऐड करेंगे मेयोनीज। मेयोनीज से सैंडविच बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और इसे भी मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी हम ब्रेड में स्टफिंग भरेंगे। हमने वाइट ब्रेड स्लाइसेस ली है। पहले हम लगाएंगे रेड चिली सॉस। स्पून से इसे स्प्रेड कर देंगे। अभी हम ब्रेड पर लगाएंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी को भी स्प्रेड कर लेंगे दोनों ब्रेड पे। चटनी अच्छे से स्प्रेड हो गई है। हम स्टफिंग करेंगे आलू के मसाले से। आलू की स्टफिंग हो गई है और अभी ही इन पर रखेंगे चीज स्लाइस। अभी हम दोनों ब्रेड को चिपका देंगे। तवे को हमने गैस पर रख दिया है और थोड़ा इसे गर्म होने देंगे। पर थोड़ा देसी घी स्प्रेड कर देंगे, चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं। और अब हम ब्रेड को रख देंगे के ऊपर, थोड़ा घी लगाएंगे और इसे स्पैचुले की सहायता से थोड़ा प्रेस करेंगे ताकि ये नीचे से अच्छे से कुक हो जाए। सैंडविच नीचे से कुक हो गया है और अभी हम इसे पलट देंगे। और ऊपर से भी थोड़ा हम घी लगाएंगे। सैंडविच हमारे क्रिस्पी बने। सैंडविच दोनों साइड से क्रिस्पी हो गया है। हम ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरी प्लेट में। इस तरह बाकी सैंडविच भी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। एक सैंडविच मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सैंडविच बनकर तैयार हो गए हैं। इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हल्की फुल्की भूख महसूस हो तब आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, बेल आइकन का बटन ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।